सीबीआई के आरोप पत्र में से एक आरोपी सतीश प्रधान इस मुद्दे पर काफी सावधानी से बोलता है। सतीश प्रधान कम बोलता है, लेकिन कोबरा पोस्ट रिपोर्टर के आशीष से बातचीत में साफ पता चलता है कि सतीश प्रधान बहुत कुछ छुपा रहा है। जब रिपोर्टर सतीश प्रधान से उस सन 1992 में मस्जिद के गिराने की पहले से बनाई गई योजना के बारे में पूछता है, प्रधान यह कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई बोलता है, कैसे किया स्ट्रेटजी, ऐसा बोला जाता है। जब जिसने इसका पूरा निकाल कर जाएगा सर, उत्तर भारत के तमाम जो सेना के लीडर थे उस समय, मध्य प्रदेश से पवैया जी और जय भगवान गोयल दिल्ली से, पवन कुमार आपका अयोध्या जी के पास ही है, उन सारे लोगों से मिल लिया मैं सर। हाँ, वो ये बात सही है कि वो कौन पांडे वगैरह सब थे जी, वो मुलाकात करके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कौन कौन से था। बाकी सब लोग ऐसे ही गए थे, योगदान जो कुछ है उसका ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा था बहुत अच्छा हिस्सा था। नहीं, आप सर अपना रोल और ठाकरे साहब का मुंबई से बताइए सर, किस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार हुई, किस तरीके से? नहीं, कुछ भी ऐसा कोई बोलते स्ट्रेटेजी ऐसे तैयार नहीं हुई जैसे बोला जाता है। हाँ सर, मतलब किताब में जो कोट कर सके उसको। नहीं, वो पैसा कोट कर पैसा होगा जी, क्या केस लगा के ले लिए? नहीं, केस तो सर चल रहा 18 सालों से, हमारा किताब होगा उससे अलग। किताब में सब होगा, ऐसा केस के लिए नहीं बोला। नहीं, केस से नहीं, केस से रिलेटेड नहीं, नहीं बोला जाता है भैया जी, तेरा समझ इतना तो करेंगे। जब कोर्ट का मामला है तो कोर्ट के उसी ढंग से जवाब देना पड़ता है, ऐसा बोलना तो भाई है कि किताब में बोल देंगे, किताब लिख रहे तो बोलने का मैंने किया है, किसका खून मैंने किया है, ऐसा समझ बोला जाता है। सर ये तो खून नहीं है सर, ये तो बहुत बड़ा महान काम किया है। महान काम है ऐसा आपको लगता है, काम है आपको, दूसरे को लगता है गुनाह किया, वो गुनाह के लिए तो केस चल रही है हमारे सबके ऊपर। बाद में सर कब क्या होगा सर, आपसे बाद में किताब मतलब आप केस कब तक पता नहीं चलेगा तब तक। अच्छी राजनीति जिसको पाला जाता है वो कम से कम रिस्क लेके राजनीति की जाए। सतीश एहतियात बरतते हुए कहता है कि एक नेता के रूप में वह खतरा उठाकर राजनीति करता है। सतीश के अनुसार देखो, अच्छे राजनीति उसको कहलाया जाता है वो कम से कम रिस्क लेकर राजनीति की जाती है। लोग नष्ट हो जाएं, इस शेर को कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।